हमारे चारों ओर न जाने कितने से बैक्टीरियाज है, इधर उधर हर जगह पे बैक्टीरियाज है। हमारा हाथ भी अगर हम देखें तो इसमें भी हजारों लाखों बैक्टीरियाज मौजूद है। हमारा मोबाइल फोन जो कि बैक्टीरिया का खजाना है, इसी तरह हमारे शरीर में भी हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस बैक्टीरियाज मौजूद है। बैक्टीरिया गुड और बैड दोनों होते हैं। जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं, वहीं पे गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारी गट में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं, उन्हें प्रोबायोटिक्स कहते हैं। प्रोबायोटिक्स लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि मेनली बैक्टीरियाज होते हैं और समटाइम्स यीस्ट भी हो सकते हैं, जो हमारी हेल्थ को पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। प्रोबायोटिक्स काम कैसे करते हैं? प्रोबायोटिक्स का काम समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि जब खाना हमारे जीआई ट्रैक्ट में जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत से होकर जब हमारा खाना गुजरता है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करा जाता है और वाटर जो एक्सेस होता है उसको एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। इसके बाद में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर गुड बैक्टीरियाज का क्या काम है? तो गुड बैक्टीरियाज का सबसे पहला काम तो ये कि बैड बैक्टीरियाज से फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं। इसके बाद में ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उनको सप्लाई करते हैं, विटामिन्स का सिंथेसिस करते हैं, और जो इंटेस्टाइन की इनर लेयर है उसे प्रोटेक्ट करते हैं और इंटेस्टाइन्स को इन्फेक्शन से बचाते हैं। गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स, ये चीजें तो समझ में आ गई, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी को प्रोबायोटिक्स की नीड है? तो यदि किसी ने बहुत लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक्स खाई है किसी भी डिजीज की वजह से, तो उसे प्रोबायोटिक फूड की जरूरत है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ने हमारे गट के जो हेल्दी बैक्टीरियाज थे उनको भी नष्ट कर दिया है। या फिर कोई इंसान बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ता रहता है, या किसी को बहुत स्टमक अपसेट रहता है, इनडाइजेशन या ब्लोटिंग, एसिडिटी, ऐसी समस्याएं रहती है, उन लोगों को प्रोबायोटिक्स खाने चाहिए। बहुत से ऐसे फूड ऑप्शन है जहाँ से हमें प्रोबायोटिक्स नेचुरली भी मिल सकते हैं, जैसे कि ग्रीन ऑलिव, दही, छाछ, इडली, डोसा, ढोकला या फिर किमची, अचार, ये ऐसे फूड ऑप्शंस हैं जिनसे कि हमें नेचुरली प्रोबायोटिक्स मिल सकते हैं और हम हमारी गट को हेल्दी रख सकते हैं।